गाइस बहुत जल्द हमारे गेम के अंदर बहुत ही कमाल के इवेंट्स आने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैं जानता हूँ गाइस, आप लोग अभी हमारे गेम के अंदर आने वाले ये अपकमिंग इवेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, इसलिए गाइस आप लोग चिंता मत करो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले A to Z सारे के सारे इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि गाइस आज हम लोग बात करेंगे हमारे गेम के अंदर आने वाले इमोट पार्टी इवेंट के बारे में। साथ ही साथ यार हमारे गेम के अंदर एक नया टूर्नामेंट भी स्टार्ट होने वाला है, जिस टूर्नामेंट को खेल के आप लोग गरीना के ऑफिशियल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। साथ ही साथ यार इस टूर्नामेंट के अंदर से हम लोगों को ढेर सारे फ्री रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे भाई हो नहीं सकता क्या, होने वाला है। और आप लोग चिंता मत करो, आज मैं आप लोगों को इस टूर्नामेंट के बारे में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, कैसे आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसे आप लोग ये टूर्नामेंट को खेल सकते हो, ये सारा जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। वाओ। हाँ भाई वाओ नहीं, ये वीडियो बहुत ज्यादा वाओ है, क्योंकि यार आज तो मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले क्रिमिनल बंडल रिटर्न का भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यार बहुत ही सारे इवेंट्स हैं, आप लोग चिंता मत करो, सभी के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई आज की वीडियो में सच में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो मजा ही बहुत ज्यादा आएगा। तो चलो तो गाइस अभी तो हम लोग बातों में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो। हाँ चलो चलो गाइस अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले इमोट पार्टी इवेंट के बारे में। हाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में इमोट पार्टी इवेंट का पोस्टर ध्यान से देखो। मैं आप लोगों को बता दूं यार, इस पोस्टर के अकॉर्डिंग 21 नवंबर के दिन हमारे गेम के अंदर नया इमोट पार्टी इवेंट आने वाला है, जहां पर हम लोगों को टोटल 5 इमोट देखने को मिलेंगे, जिन इमोट्स के आइकन्स वगैरह आप लोग इस पोस्टर में देख ही पा रहे होंगे। बाकी तो गाइस वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं आप लोगों को रिसेंट वीडियोस में इमोट पार्टी इवेंट का पूरा डिटेल के साथ रिव्यू करवा चुका हूं। हां मैंने शायद कल की वीडियो में तो एक एक इमोट का रिव्यू भी करवाया था, तो इसलिए गाइस अभी जस्ट मैंने आप लोगों को इमोट पार्टी इवेंट का पोस्टर दिखाया, अभी हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल के साथ बात नहीं करेंगे। बट हां अगर तुम लोगों को इमोट पार्टी इवेंट के बारे में पूरा डिटेल से जानना है तो आप लोग पहले इस वीडियो को देख लो, देन आप लोग कल वाले वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। खैर फिलहाल तो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले क्रिमिनल बंडल रिटर्न के बारे में। जी हां गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो रिंग इवेंट यार अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं एग्जैक्ट सेम टू सेम यही वाला रिंग इवेंट बहुत जल्द हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला है, जहां पर एक नहीं हम लोगों को काफी सारे क्रिमिनल बंडल देखने को मिलेंगे। हां भाई यहां पर अवेलेबल रहेगा ग्रीन क्रिमिनल, पर्पल क्रिमिनल, रेड क्रिमिनल, ब्लू क्रिमिनल, और इवन जो हमारा नया वाला घोस्ट क्रिमिनल आने वाला है वो भी हम लोगों को इसी रिंग इवेंट में देखने को मिलेगा। भाई सच में यार मेरे अकॉर्डिंग तो यार पहली बार शायद हमारे गेम के अंदर ऐसा कोई रिंग इवेंट आ रहा है जहां पर हम लोगों को एक साथ इतने रेयर रेयर बंडल देखने को मिल रहे हैं। आप लोग खुद ही देखो यार, एकदम बहुत ही नेक्स्ट लेवल का रिंग इवेंट है। और यार अगर मैं आप लोगों को अभी इस रिंग इवेंट का कंफर्म डेट बताऊं तो हमारे गेम के अंदर गाइस ये रिंग इवेंट 23 नवंबर के दिन आने वाला है। सच में यार मैं तो 23 नवंबर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि यार मेरे पास अभी के टाइम पे ना तो रेड क्रिमिनल है, ना ब्लू क्रिमिनल है, ना ही येलो क्रिमिनल है, बस यार मेरे पास पर्पल और ग्रीन क्रिमिनल है। बट यार इस बार जब हमारे गेम के अंदर ही क्रिमिनल बंडल का रिंग इवेंट आएगा तो भाई इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेड क्रिमिनल को निकालूं, क्योंकि यार रेड क्रिमिनल मेरा फेवरेट क्रिमिनल बंडल है। बाकी गाइस आप लोग भी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोग हमारे गेम के अंदर आने वाले इस रिंग इवेंट के अंदर स्पिन करोगे या फिर नहीं करोगे। और हाँ मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गया यार, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारे गेम के अंदर ही क्रिमिनल रिंग इवेंट आए तो मैं आप लोगों के लिए कुछ गिव अवे भी करूँ। हाँ यार मैं सोच रहा हूँ 500 डायमंड का गिव अवे करें, इसलिए गाइस अगर आप लोगों को गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे ऐसे ही रैंडमली रिडीम कोड्स देता रहता हूँ, साथ ही साथ जब क्रिमिनल रिंग इवेंट आएगा तो मैं वहाँ पर गिव अवे भी करूंगा। बाकी तो गाइस क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले क्रिमिनल रिंग इवेंट के बारे में बता दिया है, तो चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग एक टूर्नामेंट के बारे में। जी हाँ गाइस अगर आप लोगों ने हमारे गेम के अंदर आए हुए FFWS टूर्नामेंट के इस कैलेंडर को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर देखो गाइस 21 तारीख से हमारे गेम के अंदर BR Solo FFC टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। अब यार किसी बंदे को अभी के टाइम पे पता ही नहीं है कि ये कैसा टूर्नामेंट है, कैसे इसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हम लोगों को यहाँ पर से फ्री रिवॉर्ड्स भी कैसे मिलेंगे। और हाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इस टूर्नामेंट के थ्रू आप लोग गरीना के ऑफिशियल टूर्नामेंट को भी खेल सकते हो। हाँ तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को इस टूर्नामेंट का इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल से देता हूँ। जी हाँ गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में टूर्नामेंट का एक और पोस्टर देखो। अब देखो गाइस इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हमारे गेम के अंदर 21 तारीख से 26 नवंबर तक BR Solo कब चलेगा, जो कि वही टूर्नामेंट है जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। और बेसिकली यार इस टूर्नामेंट में होगा ये कि गाइस आप लोगों को अपना एक स्क्वाड बनाना पड़ेगा, एंड इस स्क्वाड के साथ आप लोगों को मैचेस खेलने पड़ेंगे। और हाँ आप लोगों को रैंडमली मैचेस नहीं खेलने हैं, बल्कि यार 21 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में हर रोज सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक हमारे गेम के अंदर एक मोड आएगा, जिस मोड के अंदर हम लोगों को मैचेस
मैचेस खेलने पड़ेंगे और यार जिस हिसाब से हम लोग उन मैचेस में परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से हमारे कुछ पॉइंट्स बनेंगे। चलो अभी मैं गाइस आप लोगों को इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ा देता हूं। तो बेसिकली गाइस देखो गरीना के अकॉर्डिंग आप लोगों को टोटल 15 मैचेस खेलने को मिलेंगे जिसमें से आप लोगों के जो टॉप 5 मैचेस होंगे यानी कि वो 5 गेम जिसमें आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा उनको लेके गरीना कुछ पॉइंट्स बनाएगा और फिर यार वो पॉइंट्स के हिसाब से जो भी टॉप 48 टीम्स होंगी उनको गरीना का ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ गाइस जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो इसके स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों से आपका व्हाट्सएप नंबर भी मांगा जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन का ही एक टास्क होगा जिससे कि गाइस अगर आप लोगों की जो टीम होगी वो टॉप 48 में आती है तो गरीना आप लोगों को व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करेगा एंड देन आप लोगों को फ्री फायर का ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलने को मिलेगा। तो ऑलराइट गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को ये गरीना के ऑफिशियल टूर्नामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन तो पढ़ा दिए। अब गाइस मैं आप लोगों को इसका पॉइंट टेबल भी दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस देखो गरीना के अकॉर्डिंग अगर आप लोग गेम के अंदर बुया करते हो तो आप लोगों को 12 पॉइंट मिलेंगे और फिर अगर आप लोग दूसरे नंबर पे आओगे तो आप लोगों को 9 पॉइंट मिलेंगे, तीसरे में 8 पॉइंट, ऐसे यार आप लोगों को पॉइंट टेबल देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप लोग जितना पोजीशन लोगे उस हिसाब से आप लोगों को पॉइंट मिलेगा। देन तो गाइस अगर आप लोगों की टीम का कोई भी बंदा बीच गेम से डिस्कनेक्ट करता है तो आप लोगों के 3 पॉइंट माइनस होंगे और साथ ही साथ यार अगर आप लोग गेम के अंदर किल करते हो तो भी आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ गाइस एक किल करने पर आप लोगों की टीम को 1 पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही गाइस आप लोगों को कंटिन्यू मैचेस खेल खेल कर पॉइंट्स कलेक्ट करते जाने हैं और आखिर में गाइस जिस भी टॉप 48 टीम्स के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उनको फ्री फायर का ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलने को मिलेगा। बाकी हाँ अगर गाइस आप लोगों को ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलने का मौका नहीं भी मिलता है यानी कि आप टॉप 48 में नहीं भी आते हो तो भी यार इस टूर्नामेंट के थ्रू आप लोगों को कुछ फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को उन्हीं फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में बता देता हूँ। जी हाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में इस पोस्टर को ध्यान से देखो। अब बेसिकली गाइस देखो इस पोस्टर के अंदर टोटल 3 आइटम है जिसमें से एक आइटम है ये टी शर्ट, दूसरा है ये साइथ का स्किन और तीसरा है यहाँ पर इमोट। मैं आप लोगों को बता दूं यार हमारे अपकमिंग टूर्नामेंट के अंदर से हम लोगों को यही 3 आइटम फ्री मिलेंगे। अब मैं जानता हूँ गाइस इस पोस्टर में देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप लोगों को कौन सा आइटम कैसा रहेगा तो चलो यार अभी मैं आप लोगों को एक एक करके इन तीनों ही आइटम का रिव्यू करवा देता हूँ। जी हाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो। यहाँ पर गाइस सबसे पहले तो आ चुकी है ये हमारी टी शर्ट जो कि आप लोगों को हमारे अपकमिंग टूर्नामेंट के अंदर से फ्री मिलने वाली है। अब वैसे गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ तो मुझे ये टी शर्ट ज्यादा कुछ खास अच्छी तो नहीं लगी बट हाँ क्योंकि आप लोग इसको मेल फीमेल दोनों ही कैरेक्टर में यूज कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात की आप लोगों को फ्री में मिलने वाली है यार अभी मैं इसकी ज्यादा बुराई नहीं करूंगा। बाकी खैर गाइस फिर हम लोगों को अपकमिंग टूर्नामेंट के अंदर से साइथ की स्किन भी मिलने वाली है तो अभी आप लोग ये साइथ की स्किन का रिव्यू देखो। भाई अब कुछ भी कह लो यार मुझे तो ये साइथ की स्किन ज्यादा अच्छी लगी। अब खैर यार ये साइथ की स्किन के अंदर ना तो कोई स्पेशल इफेक्ट है और ना ही लेजेंडरी है बट फ्री है तो मुझे ये पसंद आई। तो खैर गाइस अभी आप लोग ये साइथ की स्किन के बाद एट द एंड यहाँ पर अवेलेबल ये इमोट देखो। अब देखो यार इस इमोट का नाम है चैंपियन ग्रैब और अगर गाइस आप लोग फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर हो तो आप लोगों को पता होगा यार पहले भी हमारे गेम के अंदर काफी सारे टूर्नामेंट्स होते थे उन्हीं टूर्नामेंट में ये इमोट हम लोगों को पहले भी फ्री मिल चुका है एंड हर बार हम लोगों को ये इमोट 30 दिन के लिए या फिर 45 दिन के लिए ऐसे फ्री मिलता है। तो सेम भाई इस बार भी ऐसे ही होने वाला है हम लोगों को ये परमानेंट नहीं बल्कि कुछ ही दिनों के लिए इमोट फ्री मिलेगा। तो खैर फाइनली गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग टूर्नामेंट के तीनों के 3 फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में बता दिया है। मतलब फ्री रिवॉर्ड्स का रिव्यू भी करवा दिया, टूर्नामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बता दिए, टूर्नामेंट कब स्टार्ट होगा भी बता दिया, टूर्नामेंट का पॉइंट टेबल भी दिखा दिया है। तो उम्मीद है यार वैसे अभी आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। बाकी फिर भी गाइस आप लोग चिंता मत करो जब हमारे गेम के अंदर टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होगा तो मैं आप लोगों को इसका एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को पूरा एग्जैक्ट बताऊंगा कि आप लोगों को टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे आप लोग इस टूर्नामेंट को खेल सकते हो, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट फिलहाल तो गाइस क्योंकि अभी मेरे पास जितना भी टूर्नामेंट का इन्फॉर्मेशन था मैं आप लोगों को सब कुछ दे चुका हूं। इसलिए तो गाइस अभी हम लोग आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।